आप बैटिंग पहले करो या बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अब अल्लाह यही है भाई। कि अब क्या कहते थे आप, कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम आपको हराए तो हराए भाई जान, आप नहीं। Congratulations to India to qualify for the semi-finals of the World Cup 2023. Well done. What a performance by Team India. बाकी सर मैं हाथ जोड़ना है, इंडिया वालों इन्ना ना कुटो कि अगे जाके थोड़े ना कोई सीरीज भी ना खेले, कि इन्ना मार दियो इन्ना मार दियो, थोड़ा नरम हाथ रखो क्योंकि जितते तुसी फिर भी जाना। सर वेल डन, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप थॉरली डिजर्व करते थे, कर रहे हो, और माय बेस्ट विशेस टू यू गाइस एंड टू योर कंट्रीमैन। सेलिब्रेट करें, खुशी मनाए, जोश मनाए, जोश से खुशी मनाए। इंडिया इस टाइम शेर बना हुआ है, क्रिकेट का शेर बन गया इंडिया, और उसका जो दबदबा इस टाइम बना हुआ है ना, हर हर प्लेयर की जो है ना टांगे कांपती हैं। करें श्रीलंका की कांपे टांग रही थी इस दफा, और मैं खुद ये चेक करें मेरे हालात कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया तो क्या हाल होगा हमारा। बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वाज गोइंग दैट वे, एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वाज स्विंगिंग दैट मच, एंड सिराज ऑन द अदर एंड ऑफ कोर्स बोलिंग क्विक विद गुड पेस एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स देन शामी आइसिंग ऑन द केक, अनदर 5 फॉर, आई मीन 45 विकेट्स इन अबाउट 14 15 गेम्स। इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 14 विकेट्स ले लिए, या दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। तो अंपायर्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, किसकी साइड ले रहे हैं? इंडिया की साइड ले रहे हैं, सबको पता है। अब सिराज ने कसम खाई हुई है, श्रीलंका को नहीं चलने देना, श्रीलंका की मां बहन करके रखनी, श्रीलंका की मां बहन करके रखनी भाई। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बगैरत देखे हैं हमने, लेकिन इस काले टट्टे जैसा बगैरत हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जब भी इंडिया की बात आती है ना, आप यही सोच ले आप वन साइडेड ही मैच होगा, अदरवाइज आप कहेंगे दोनों साइड चल रहे हैं या दोनों टीमें चल रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता इंडिया के साथ। अगर कुछ ज्यादा ही कीड़ा काट रहा है आपको इस वर्ल्ड कप में, तो कर लो मुजरा भाई, किसने मना किया है। इंडिया ने श्रीलंका को 302 रन से हरा दिया, और वो पाकिस्तान में बैठे कुछ लोगों को हजम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि कल किस तरह से भारतीय टीम ने श्रीलंका को कितनी बुरी तरीके से हराया, जिसको देखकर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट शॉक्ड हो गए हैं कि भारत ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे मतलब किसी भी टीम को आसानी से हरा दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका का वही हाल किया है जो एशिया कप में श्रीलंका का फाइनल में हुआ था, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि भारत के साथ ऐसा हो क्या रहा है कि भारत के सभी प्लेयर इतना नॉन स्टॉप प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कहने के लिए उन्होंने बाकी कुछ छोड़ा है हमारे पास यार, शुरू में आते साथ ही बुमराह साहब ने टक करके पहली विकेट ले ली बिना कोई स्कोर, यार इतना भी तो जुलम ना डाउन। ऊपर से सिराज मैं कहता हूँ, मोहम्मद शमी ने 2 विकेट ली, मैडन ओवर निकाला, मैं कहता हूँ मजा आ गया। बड़े अरसे बाद मैंने कोई ऐसा मैडन ओवर देखा जिसमें 2 विकेट गई हूँ यार। ऊपर से देखो वो पिछला हाल कर दिया श्रीलंका का, मैं कहता हूँ ये क्या मामला था। इंडिया को कौन रहेगा? इंडिया को इंशाल्लाह इंडिया खुद ही रहेगा, बाकी किसी के अंदर इतना दम नहीं रहेगा। इसकी बात नहीं है, किसी की बात की बात नहीं कि इंडिया की टीम को इंडिया के घर जाके रहे, नामुमकिन सी बात यार। वो तो उनके घर जाके 50 में ऑल आउट कर रहे थे, अभी तो उन्होंने नहीं डाल दिया यार। ये वो 50 में उधर आउट करके आए थे ना, इधर आगे इन्होंने 30 में 35 40 के बीच में कर दिया ना, तो देखे ना यही तो फर्क है ना। इंडिया को जब अपना घर मिला उन्होंने उससे पहले रिकॉर्ड बनाया, तो ये इंडिया है यार। अगर ये सोचा रही तो इंडिया को कौन, इंडिया कहाँ तक है? इंडिया मैं कहता हूँ चंद्रयान में तो पहुँच गया है, चांद पहुँच गया। हाँ जी, उससे ऊपर कोई अब मनाजिर होंगे वो जो दिखाएंगे हमें, अभी तो ये झलकियाँ दिखा रहे हैं हम उसमें इतना खुश हो रहे हैं, जब ये पूरा मूवी दिखा देंगे हमारी तो होशी उड़ी। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया to qualify for the semi-finals of the World Cup 2023. Well done. What a performance by Team India. Shuru mein breakthrough bhi mil gaya unko, but uske baawajood, the way they batted, 92 by Gill, Virat Kohli got 88, 82 by Iyer, who played some magnificent shots in the end. Big hits, massive sixes. Once they scored 357, it was kind of all over for for Sri Lanka. But I knew they probably will fight back, but man, when they came out to bowl the Indian team, unbelievable. Quick game is a good game probably, that's the motto for India. बुमराह ने जो नया बॉल पहला ओवर किया, बॉल वॉज गोइंग दैट वे, एक होता है इतना स्विंग, एक होता है इतना, ही वॉज स्विंगिंग दैट मच, एंड सिराज ऑन द अदर एंड ऑफ कोर्स बोलिंग क्विक विद गुड पेस एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स देन शामी आइसिंग ऑन द केक, अनदर 5 फॉर, आई मीन 45 विकेट्स इन अबाउट 14 15 गेम्स। तो इस वर्ल्ड कप में ऑलरेडी 14 विकेट्स ले लिए, या दैट्स इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल में ऐसा कम ही टूटेगा शामी का, सो वेल डन शामी। बुमराह ने पहले मोहम्मद कराई, उसके बाद शामी ने वो ठोका उनको आगे, कसम से कि बैट बजा के रख दिया इनकी, और क्लास परफॉर्मेंस। तो बड़ी बात है बुमराह की बॉलिंग, मैं कहता हूं अमेजिंग बॉलिंग है यार, सिराज की बहुत अच्छी बॉलिंग है, असल में इंडिया बॉलिंग से ऊपर जा रहा है। सर आप ये देखें कि अभी लास्ट ही वो सदमा नहीं उतरा था जो उन्होंने फाइनल में इन्हें मारा है, आज फिर जो है उन्हें इस तरह उन्होंने धोया जिस तरह पता नहीं कपड़े धोते हैं या घर से वो यही प्रैक्टिस करके आएंगे भाई, इस दफा ग्राउंड में इस तरह ही धोने जा कपड़े। यकीन करें श्रीलंका की कांपे टांग रही थी इस दफा, और मैं खुद ये चेक करें मेरे हालात कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया तो क्या हाल होगा हमारा। ठीक है, सो हाथ जुड़े हैं भाई, अगर तो इंडिया के साथ हमारा मुकाबला पड़ रहा सेमीफाइनल में, पहले ही बाहर आई हो तो चंगा, क्योंकि वो हार जी बहुत जलील करेगी सानू। अभी आप देखें आज फिर जो है वो अंडर 15 पकड़ लिया उन्हें, उस दिन भी अंडर 50 पकड़ लिया उन्हें, सो भाई
लेवल की क्रिकेट है। चलो बैटिंग में तो हमेशा ही चलते हैं, बॉलिंग में ऐसा काम मोहम्मद सिराज ने कसम खाई हुई है श्रीलंका को नहीं चलने देना, श्रीलंका की मां बहन करके रखनी, श्रीलंका की मां बहन करके रखनी। आज भी देखो उसने आके उन्होंने दूसरी गेंद पे आउट किया, उन्होंने पहली गेंद पे आउट कर दिया, दूसरे ओवर में आके दूसरा आउट कर दिया। मैं यार चिल हो गया था, मैंने कहा यार चलो अब श्रीलंका आराम आराम से खेलेगी, चलो जीत तो नहीं सकती अपना रन रेट तो बचाएगी यार, लेकिन मैं जरा बाहर गया हूँ काम से, वापस आया हूँ सात पे चार आउट हुए पड़े। मैं कहा यार अनबीटेबल सेमीफाइनल में चलेगी इंडिया को कौन हराएगा, इंडिया को खुद इंडिया ही हरा सकती है यार। अगर इस टाइम अगर बात की जाए इंडिया को हराने वाली कोई टीम देखे तो वो खुद इंडिया है, इसके अलावा कोई किसी में कैलिबर ही नहीं है, किसी में इतना जज्बा ही नहीं है यार, कोई कैसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आएगा, बैटिंग ले आएगा, बॉलिंग ले आएगा, फील्डिंग अच्छी ले आएगा, तीनों चीज़ें इकट्ठी कैसे लाएगा, सिर्फ इंडिया ही ला सकता है अपनी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों चीज़ें अच्छी सिर्फ इंडिया ला भाई। इंडिया इन्फिनिटी हो गया, डर पड़ गया सबको इंडिया का, इंडिया का डर पड़ा हुआ है यार, एशिया कप से पड़ा हुआ है, जब उन्होंने 50 पे ऑल आउट किया था, आज भी देखे 15 पे 5 आउट हो गए थे, मुझे तो लग रहा था आज श्रीलंका ने अपना रिकॉर्ड तोड़ना है 30 पे सारी आउट होनी यार, लेकिन अखीर कर दी वैसे, एंड कर दी यार, मजा आया यार। आज पता चला यार इस वर्ल्ड कप में ना पता चल रहा है इंडिया को देख के ना कोई टीम खेल रही है यार, एक दफा होता है दो दफा यार इतनी बुरी यार ये बुरी होती है, जब आप पहले ट्वीट करोगे ना कि हम होम ग्राउंड पे आके दिखाएंगे आपको तो फिर ऐसे वजनी होती है, और आज ना उन्होंने वो बचाई है, पहले इतने रन का ना हदफ देना कि भाई ये लो ये चेज करो, वो पहले बेचारे उधर कंफ्यूज कि ये चेज कौन करेगा, ऊपर से बुमराह साहब भाई, बुमराह साहब ने कहा ऐ लो ऐ भी रखो, फिर शमी ने कहा ऐ भी रखो ऐ भी रखो, यार गरीबों के साथ ना उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, उनकी बुझा के उनको बुला के उनकी ले लिया है। श्रीलंका ने पहली दफा इतनी बुरे तरीके से शिकस्त होने के बाद दोबारा ये ही दोबारा रद्द अमल लाया है, तो आपको नहीं लगता कि श्रीलंका को ज्यादा काम करना चाहिए था, इस चीज पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी यार? एक तो बड़ी हाइप मिल जाएगी इसे सोशल मीडिया पे, लो जी इंडिया फिक्स कर गया, इंडिया फिक्स कर गया, इंडिया और भाई अपनी मेहनत से जीते हैं, जो मैं अब पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ जो भी मैच हो अगर भारत जीत जाए तो उसे फिक्स करार दे दिया जाता है, और भाई हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है हम उनके साथ जो है वो मुकाबला कर सकें, वो एक वर्ल्ड लेवल टीम है। अब आप देखें कौन सी ऐसी टीम है कि साथ, चलो पाकिस्तान का भी फिक्स था श्रीलंका, बाकी 5 मैचों से 5 जो है वो कोई टीम आगे उधर मुकाबला ही नहीं कर पाई, साउथ अफ्रीका नहीं मुकाबला कर पाई, न्यूजीलैंड नहीं, और भाई वो तो वर्ल्ड क्लास टीम है ना, कम से कम मुकाबला करना चाहिए था। तो अंपायर्स जो है वो न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, किसकी साइड ले रहे हैं? इंडिया की साइड ले रहे हैं, सबको पता है आपके पाकिस्तान के मैच में भी जो एक दो डिसीजन हुए हैं वो उन्होंने उसको इसके ऊपर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बात भी की गई, पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं विद प्रूफ विद लॉजिक अभी बात करेंगे। आपने बोला 2-3 रीजंस हैं, एक रीजन आपने बता दी, इसके ऊपर अभी आगे बात करते हैं, दूसरी रीजन और तीसरी रीजन क्या? मुश्किल चांस है आगे बढ़ने, इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अभी तक एक मैच नहीं हारा, अभी भी जीत गया, ठीक हो गया, तो यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये फेवर दी जा रही है इंडिया को, आपको लगता है जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें फेवर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन होम है उनका, उनका घर है, उनका घर है, इस वजह से उनको एडवांटेज है, वो उसी पिचेस पे तो इस दफा यहाँ पे इंडिया में हो रहा है ना, उससे पहले मुख्तलिफ कंट्रीज में ऐसे तो फिर उन्हें भी एडवांटेज रहा है। हाँ जी, इसी तरह ही है ना, वो बेसिकली अच्छी टीम है, वो वेल बैलेंस टीम है, ये नहीं है हमारा इख्तलाफात उनसे हो सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में वो A1 है। जो अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर है उसको कैप्टन बनाया जाए, ठीक हो गया, बेसिकली दुनिया में मैनेजमेंट जो बेहतर करते हैं उनको कैप्टन बनाया जाता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान का पूर्व खिलाड़ी यानी वसीम अकरम भारतीय खिलाड़ियों को देखकर शॉक्ड हो गया है, वहीं शोएब अख्तर भारतीय खिलाड़ियों को देखकर शॉक्ड हो गया है कि भारतीय खिलाड़ी ऐसे कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इनको रोकना कितना मुश्किल होगा हम पाकिस्तानियों के लिए बस की बात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इनका कहना है कि खुद भारत अपने आप को रोक सकता है, नहीं तो इसको कोई नहीं रोकने वाला है, और जिस तरह से भारतीय टीम की प्रदर्शन चल रही है ऐसा लग रहा है कि इस बार का वर्ल्ड चैंपियन भारत ही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन कल दिखाया श्रीलंका के सामने, पूरी तरह से भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के बैट्समैनों पर डोमिनेट कर गए और 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया और 303 रनों से जीत कर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इसके पहले श्रीलंका वर्ल्ड कप में इतनी कम रन पर आउट नहीं हुई थी, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट फैंस शॉक्ड हो गए हैं कि भारतीय खिलाड़ी ऐसा कर क्या रहे हैं। वहीं जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखा रहे हैं पूरी तरीके से श्रीलंका को तबाह और बर्बाद कर दिए, और श्रीलंका ही नहीं बल्कि इसके पहले बाकी टीम भी आई थी वो भी मतलब भारत के सामने टिक नहीं पाई। वहीं कुछ पाकिस्तानी जनता का ये भी कहना है कि भारतीय टीम आसानी से इस ODI वर्ल्ड कप को जीत लेगी, क्योंकि इसको हराने वाला कोई है ही नहीं जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन चल रहा है। जी हाँ, मतलब जिस तरह से प्रदर्शन भारतीय टीम ने दिखा रहे हैं, वहीं आपको ये बता दें
कि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने मतलब मोहम्मद सिराज, मोहम्मद समी और जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया श्रीलंका के बल्लेबाजों के ऊपर। वहीं भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय बल्लेबाजी रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल काफ़ी ज़बरदस्त पारी खेली, जिसके वजह से भारतीय टीम आसानी से मतलब 357 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और श्रीलंका की टीम पैनिक होकर पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर रन चेस करना मतलब इतना आसान नहीं होता है और श्रीलंका में ऐसा कर नहीं कर पाया। और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारतीय टीम को रोकना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय टीम अब पूरी तरीके से इस आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप को अपने नाम कर चुकी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कल कैसा लगा भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।